मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदा उनकी सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल अपने कैमरामैन तारिक प्यारा के साथ इस वक्त मौजूद हूँ फॉर्मन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी लाहौर में। यहाँ पर आज एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ज़रिए तमाम। ये इनका 21वां सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, जिनमें ये मुख्तलिफ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के इदारे हैं, चर्चेज हैं, उनको लेटर्स भेजते हैं कि वो अपने नौजवानों को तलीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में भी मशगूल करें। ये इनका बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ताकि हमारे जो क्रिश्चियंस बच्चों का टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, वो खुलकर सारी दुनिया के सामने जाहिर हो। उनसे जानेंगे इस सारे फेस्टिवल के मकासद उनके क्या हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, और वो किस तौर पर इसको मुनक्कद करते हैं, और किस तरह से जो ये यंग क्रिश्चियन टैलेंट है उसको अवामी सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर प्रमोट करते हैं। एक दफा फिर दुआ के लिए जनाब पादरी डेविड शॉक साहब को वो सामने आए और दुआ मांगे। आए हम दुआ करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे परवरदिगार, हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की स्ताइश करते हैं कि तू ही हमारा मोहकम किला, हमारी चट्टान, हमारा ऊंचा बोझ है। और खास तौर पर हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुख्तसर खिताब के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी साहब, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी। आपकी तालियों में प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका बेदाग जरब है कारी। तो ये नौजवान हमारी कौम का फखर हैं। इनका मजहब, रंग, नस्ल, जुबान कुछ भी हो, वो नौजवान जो खेलों में हिस्सा लेते हैं, वो नौजवान जो निसाबी व गैर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के आगे आगे होते हैं, वो अपने मुल्क का सरमाया हैं, वो अपनी कौम का, अपने मुल्क का फखर हैं। और बतौर चेयरमैन इंटरफेथ हार्मनी कमेटी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बाइबल सोसाइटी को और एफसी कॉलेज को कि उन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब एक तवातुर के साथ, एक तसलसल के साथ, हर साल उसका तसलसल बरकरार रखा हुआ है। और इस तरह नौजवानों में सेहतमंद जज्बात, सेहतमंद एक्टिविटीज़ को फ़रोग मिलता है तो वो मनफी सरगर्मियों से, हसद, तासुब, बुग़्ज़, कीना और लड़ाई झगड़े की बजाय सेहत मंद सरगर्मियों की तरफ, एक दूसरे से मोहब्बत के जज्बों की जानिब कदम बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इंटरफेथ हार्मनी को खेल के मैदान में ले आना एक ऐसा कारनामा है जिस पे आप बिला शुबा बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं चाहूंगा कि एफसी कॉलेज के लिए और बाइबल सोसाइटी के लिए सब लोग एक मरतबा क्लैप कर दें। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी इसलिए भी है आज यहाँ पर आने की कि मैं खुद भी एक फॉर्मेनाइट हूँ और मैं 90 से 92 यहाँ पढ़ के गया हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद मेरे घर से नजदीक था, फिर वहां शिफ्ट हो गया। तो मैं आज बहुत ऑनर फील करता हूँ कि मैं अपने कॉलेज में जहाँ बतौर तालिब इल्म आया करता था, वहां आज एक मेहमान के तौर पर आया हूँ। और अल्लाह खूब तरक्की दे इस इदारे को और खूब तरक्की दे उन सब लोगों को जो इंसानियत के दरमियान भाईचारे की फिजा को कायम करने के लिए, मोहब्बतों को फरोग देने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, मुकालमे को तरवीज देने के लिए, नफरतों को मिटाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करते हैं और अपने खलूस नीयत के साथ इस पर काम करते हैं, आमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा मैडम फौजिया अमीर साहबा से कि वो खवातीन की तरफ से जो चेयरमैन खवातीन विंग हैं वो अमन कमेटी की जानब खवातीन की नुमाइंदगी करते हुए हमारे लिए कुछ अच्छे अल्फाज जो हैं वो यहाँ आकर फरमाए। आपकी तालियों में मैडम फौजिया अमीर साहबा।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बाइबल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, इतनी खूबसूरत तकरीब जो है वो मुनक्कद की, इतना खूबसूरत इहतमाम किया। इनकी और इनकी पूरी टीम का एक शुक्रिया अदा भी करते हैं हम, और इनको हमारी तरफ से तमाम बेस्ट विशेस इनके लिए कि इन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और एफसी कॉलेज को का शुक्रिया अदा करते हैं, एफसी कॉलेज को दुआ देते हैं कि इनके हक में बहुत बेहतर हो और इतने अच्छे काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को आगे आने का मौका डेफिनेटली इस तरह से मिलेगा जिसमें कोई तफरीक नहीं है, जिसके अंदर कोई इस तरह से नहीं है कि ये कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो एफसी कॉलेज को जाता है, बाइबल सोसाइटी को जाता है। तमाम नए ख्वाहिशात जो हैं वो एफसी कॉलेज और बाइबल सोसाइटी के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब बाबर कामल साहब से, जो डायरेक्टर स्पोर्ट ये फोरमैन क्रिश्चियन चार्टर यूनिवर्सिटी के हैं, और मैं ये यहाँ पर कहना वाजिब और मुनासिब समझूंगा कि ये ग्राउंड, ये अच्छा माहौल और ये इतना खूबसूरत जो वक्त है, ये इन्हीं के कोऑपरेशन, इन्हीं के तामन और इन्हीं की मदद से मिलता है। आपकी तालियों में बाबर कामल साहब। गुड इवनिंग। सो ये जो खूबसूरत इवेंट है, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी एक रिलीजियस अदारा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये जो यंग पीपल को हेल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। जब हम दाएं बाएं देखते हैं तो मोस्टली हमें हमारी यंग जनरेशन स्पेशली इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा ये ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं वो इन अनहेल्दी और इलीगल एक्टिविटी से बच जाते हैं। तो ये सोसाइटी की एक बहुत बड़ी खिदमत है, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की। जहां तक तलक है एफसी कॉलेज का, तो एफसी कॉलेज के फार्मर रेक्टर मेरे सामने, उन्होंने यहाँ इसी तरह एक ओपनिंग सेरेमनी में कहा था कि जब तक एफसी कॉलेज है तो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए एफसी कॉलेज की ग्राउंड्स ऑलवेज अवेलेबल। तो मेरे सामने, मैं 2003 से यहां पर हूं, तो मेरे सामने ये एफर्ट जो है, ये काज जो है वो स्टार्ट हुआ, और ये वो जो उस वक्त छोटा सा बीज था, ग्रो कर रहा था, तो आज खुदावंत के फजल से एक फलदार पूरा ट्री, प्लांट, पौधा, दरख्त हरा भरा नजर आता है। तो इसमें पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लोगों की खसूसी काविश है। ये जो मेरे दाएं बाएं खड़े लोग हैं, इनको मैं शुरू से देख रहा हूं, तो ये इनकी एफर्ट्स हैं। तो अभी ये इसी साल पास्टर अजहर मुश्ताक साहब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिली हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल, और वो इन सबको हेड कर रहे हैं। तो हमारी नेक ख्वाहिशात पास्टर साहब के लिए, उनकी टीम के लिए और इस गुड काज के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट मिस समीना बट्टी, वो सामने आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको, हम सबकी तरफ से, बाइबल सोसाइटी के स्टाफ की तरफ से, हम रेवरेंड अजहर मुश्ताक की तरफ से आप सबको वेलकम करते हैं, और इस चीज़ का शुक्र गुजार हैं कि एफसी कॉलेज हर साल ये मौका फ्राहम करता है कि हम अपने नौजवानों को यहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स के थ्रू ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में वो शामिल हों। और ये मानना हम सबका है कि विदाउट sound body, a sound mind, we cannot survive. So this is only possible कि अगर हम अपने बच्चों को ऐसी सारी activities में, जिसमें कि वो आगे बढ़ें, और ना सिर्फ healthy activities बल्कि जहाँ जहाँ पे कि वो इस activity के through peace को, harmony को फ़रोग दे सकें, उसके लिए उनको हमें encourage करते रहना चाहिए। So I congratulate the whole Bible Society staff and Reverend Azhar Mushtaq, General Secretary Pakistan Bible Society,
प्रे टू गॉड ऑलमाइटी कि ये इसी तरह से अदारा आगे बढ़ता रहे और इस तरह के मौके हमारी यंग जनरेशन को फ्राहम करता रहे. सो आई विश एंड प्रे ये फेस्टिवल बाकी पिछले सालों की तरह ये भी कामयाबी से कम्प्लीट हो और ये बच्चे यहाँ से कोई मैसेज लेके जाएंगे हमने इसी तरह से अमन से और इसी तरह से इसी इतिहाद के साथ जो है वो आगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच मैडम जी. और अब मैं जनाब ख्वाजा हाजी अब्दुल गफूर साहब जो इतिहाद मशाइख उम्मत हैं वो आएंगे और अपने खूबसूरत अल्फाज से हम सबको नवाजेंगे. आपकी तालियों में ख्वाजा हाजी अब्दुल गफूर साहब. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इज्जत माब जनाब मेरे चेयरमैन मोहतरम महमूद गदनवी साहब, SVP साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर, बाइबल सोसाइटी के बेहतरीन प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब व दीगर साहबान, आज मुझे यहाँ आकर गदनवी साहब ने बहुत अच्छा मौका दिया. मैं उनका एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ और आप सब लोगों का मशकूर हूँ. मुझे आकर बहुत खुशी हुई जिस तरह की ये एक्टिविटी और खेल और मामलात हो रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट लेवल की या इस तरह की आपको कोई अपना सरपरस्ती हासिल नहीं है, इसको नहीं है. मैं इसके लिए भी गदनवी साहब को भी कहूँगा और इसको करारदाद बनाकर भेजें कि गवर्नमेंट लेवल की ऐसे खेलों को और आप लोगों की ऐसी मेहनत को डॉक्टर साहब है, दीगर साहबान है, इनकी सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए. और इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ अपना आप लोगों को कि हमारी तरफ से भी जो भी होगा हम यहाँ आपके साथ कोऑर्डिनेट करके, मेरी अभी प्रेसिडेंट साहब से भी बात हुई है बाइबल सोसाइटी, इंशाल्लाह आपको इसी तरह फलते फूलते में जितना भी कॉपरेट हो सकेगा. मैं अगेन एक दफा तमाम सोसाइटी को मुबारकबाद और अपनी सारी टीम को और चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करूं. थैंक यू. पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी पादरी अजहर मुश्ताक साहब को वो सामने आए. आप सबका शुक्रिया अदा करें. आपकी तालियों में पादरी अजहर मुश्ताक. मसीह यसू के अजीम कादिर बाबरकत बुजुर्ग और जलाली नाम में आप सबको पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की तरफ से खुश आमदीद और मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के बिहाफ पे आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने ये वक्त निकाला और आप हमारे साथ मिलकर इन तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इकट्ठे हुए. नौजवान किसी भी कौम का सरमाया है और कोई भी कौम जो है वो अपने फ्यूचर को अपने नौजवानों में देखती है. ठीक है, अगर उस कौम के नौजवान ठीक फल फूल रहे हैं, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, तो आने वाला जो वक्त है कौम के लिए वो अच्छा, मुस्बत और बाबरकत है. और हम सोचते हैं और हमारी यही कोशिश होती है सारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के वसीले से कि हम इनको हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें ताकि ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का बायस हो आने वाले वक्त में. और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत और बाबरकत होगा. अगरचे आज हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी मुश्किलात भी मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आती हैं, लेकिन जब हम अपने फ्यूचर की तरफ देखते हैं, अपने नौजवानों की तरफ देखते हैं, इनके टैलेंट्स को देखते हैं, तो हमें एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो नज़र आता है. और मैं अपनी सारी टीम को, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की सारी टीम को, एक एक फ़र्द को जो है वो बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ एक सक्सेसफुल एफर्ट के लिए. और आने वाले दिनों में भी मैं आपसे कहूँगा ये 18 तारीख तक है, जब भी आपको वक्त मिले आप ज़रूर FC के ग्राउंड में आएँ, इन मैचेस को देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमारी कौम, हमारे लोग कितने टैलेंटेड हैं और खुदा ने इनको किस किस तोड़े से नवाजा है. खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और अपनी पनाह में रखे और अपने लिए इस्तेमाल करता रहे. इससे पहले कि पादरी साहब दुआ, दुआरे बानी और कलमाते बरकात से आज के प्रोग्राम को ख़त्म करें, हम उन दोनों पहलवानों को जिन्होंने यहाँ पर कुश्ती की उनको सामने बुलाएंगे और पादरी साहब अपने दस्ते शफकत से ये बाइबल की छोटी किताब जो है वो उन तक पहुँचाएंगे. सबसे पहले इफ्राहिम पहलवान. थैंक यू.